Today we discuss the structure of neuron. Like other cells, neuron has cell membrane, cytoplasm and nucleus. जैसे बाकी सेल के स्ट्रक्चर में हम लोग आप सबको पता है कि सेल के स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, इसी तरह इस न्यूरॉन के अंदर भी दूसरे सेल्स की तरह सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मौजूद है बट हैव डिफरेंट शेप. लेकिन इसकी शेप जो है वो डिफरेंट है. ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसको. ये न्यूरॉन है, ठीक है, इसकी शेप को भी आपको नजर आ रही है, ठीक है. ये इसकी सेल बॉडी है. ये जो बाहर निकले एक्सटेंशन टाइप इसको डेंड्राइट्स कहते हैं. इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, ठीक है. उसके बाद ये सारी जो है लंबी से जो नीचे आई तकरीबन 1 मीटर लॉन्ग है, ये एक्सॉन है. और ये एक्सॉन जो है इसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम लोग मायलिन शीथ कहते हैं. अब हम लोग इसकी तरफ आ जाते हैं. न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है. सेल बॉडीज, ये पहले है सेल बॉडीज, सेकेंड वन इज डेंड्राइट्स और नंबर 3 इज एक्सॉन. सेल बॉडी, अब हम लोग सबसे पहले इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं. सेल बॉडी हैज न्यूक्लियस. इसके अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस है प्लस ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, और सेल ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर मौजूद है. सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, ये सेल बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है और ऑर्गेनेल्स भी. नेक्स्ट वन इज डेंड्राइट्स. ये है जी डेंड्राइट्स, जो स्मॉल एक्सटेंशन है, ठीक है, स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी. सेल बॉडी से बाहर जो छोटी 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 एक्सटेंशन हुई है जिसको हम लोग डेंड्राइट्स का नाम देंगे. और इन डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन ये है कि रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर सेल्स एंड कंडक्ट टू द सेल बॉडी. ये पूरी फैली होती है, ठीक है, और सेल से जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से जो है वो मैसेज को रिसीव करती हैं और कहाँ लेके आती हैं? टू द सेल बॉडी. इसका ये काम है पूरी बॉडी के सेल से मैसेज को रिसीव करना और दोबारा सेल बॉडी की तरफ लेके जाना. इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं. थर्ड वन पार्ट है इसका एक्सॉन. ये सेल बॉडी से स्ट्रेच होके एक लंबी से लंबर 1 मीटर लॉन्ग तक स्ट्रेच होके बाहर निकल आता है, जिसको हम लोगों ने एक्सॉन का नाम दिया. मतलब पार्ट ऑफ द सेल बॉडी, लेकिन वो क्या हुआ है? पार्ट ऑफ सेल बॉडी का था बट इट इज स्ट्रेच अप, जो कि स्ट्रेच हो गया है. दिस इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है. और इट इज 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर तक की लंबी होती है एक्सॉन, ठीक है. और एक्सॉन का मेन फंक्शन क्या है? एक्सॉन रिसीव मैसेज फ्रॉम सेल बॉडी एंड कंडक्ट टू द अदर सेल. सेल बॉडी से यहाँ से मैसेज लेना, ठीक है, और यहाँ से मैसेज लेने के बाद दूसरी पूरी बॉडी तक मैसेज को लेके जाना. और एक्सॉन इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड है? इसकी कवरिंग है बाय, जिसको हम लोगों ने मायलिन शीथ का नाम दिया है. और मायलिन शीथ का मेन फंक्शन क्या है? इट इज इंसुलेटिंग मटीरियल एंड डज नॉट अलाउ मैसेज टू पास इन नेबरिंग न्यूरॉन. ये इंसुलेटिंग मटीरियल के तौर पर काम कर रही है. और इसका इसका मेन मकसद, इसका मेन जो फंक्शन वो यही है कि डज नॉट अलाउ मैसेज टू पास और नेबरिंग न्यूरॉन. दूसरे न्यूरॉन को साथ वाला न्यूरॉन है उसको मैसेज कंडक्ट नहीं करती, बल्कि इट इज इट एक्ट एज अ इंसुलेटिंग मटीरियल. और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड द इंटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन मीन सेंस. हम लोग अगर इस चीज को याद करना है तो हम लोग कह सकते हैं कि कैरी इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन. सेंसरी मीन टू द सेंस ऑर्गन. वो इंपल्स कहाँ से जा रहा है, मैसेज कहाँ से जा रहा है? फ्रॉम द सेंस ऑर्गन आईज नोज स्किन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंस ऑर्गन से लेके मतलब पूरी बॉडी की जो कोई भी सेंस ऑर्गन है, आईज नोज स्किन, पूरी बॉडी में से वो इंपल्स लेगा और कहाँ लेके जाएगा? टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज टू द ब्रेन और स्पाइन. यह है जी सेंसरी न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन क्या है? कैरी इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स या ग्लैंड्स. मोटर न्यूरॉन मैसेज को, इंपल्स को वापस लेके आ रहा है दिमाग से या स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन से. वापस जब लेके आएगा इंपल्स, कहां पे वापस लेके आएगा? टू द मसल्स और द ग्लैंड्स. सेंसरी में मैसेज इंपल्स जो था वो जा रहा था सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और मोटर न्यूरॉन में इंपल्स वापस आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स और ग्लैंड्स. थर्ड वन है इंटर न्यूरॉन. इंटर न्यूरॉन फॉर्म सिनेप्सिस. इसका मतलब यह है कि एक मेन कनेक्शन विद द सेंसरी और मोटर, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में जो कनेक्शन है वो एक दरमियान में एक और न्यूरॉन है जिसे हम लोग इंटर न्यूरॉन कहेंगे. इस इंटर न्यूरॉन की वजह से सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में कनेक्शन है, ठीक है. इट एनेबल द इंपल्स टू ट्रांसफर फ्रॉम सेंसरी टू मोटर. ये इंटर न्यूरॉन जो है ये हेल्प कर रहा है इंपल्स को ट्रांसमिट होने से
सेंसरी से मोटर की तरफ। जो इंपल्स आ रहा है सेंसरी से मोटर की तरफ, उसके दरम्यान में एक और न्यूरॉन है जिसे हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं, और ये कनेक्शन है बिटवीन सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन। हमने इसमें तीन टाइप्स पढ़े न्यूरॉन की, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी क्या था, वो मैसेज लेके जा रहा था सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन में ये था कि मैसेज जो था वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स वापस आ रहा था टू द मसल्स ऑर्गन। सेंसरी कैरी इंपल्स टू सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मोटर न्यूरॉन कैरी इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स ऑर्गन्स। इंटर न्यूरॉन फॉर्म सिनेप्सिस, मींस इट मीन कनेक्शन विद द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है वो इंटर न्यूरॉन की वजह से। नेक्स्ट वन है नर्व इंपल्स। नर्व फाइबर्स डू नॉट कैरी सेंसेशन लाइक पेन और कोल्ड। नर्व फाइबर्स जो है वो किसी किस्म की कोई भी सेंसेशन को फील नहीं करते, चाहे वो पेन हो या कोई कोल्ड हो, जो भी हो, वो नर्व फाइबर्स जो है वो किसी सेंसेशन को फील नहीं कर सकते। अब दी सेंसेशन फेल्ट व्हेन नर्व इंपल्स रीच, अब ये सेंसेशन उस वक्त फील होगी जब ये नर्व इंपल्स जो है वो ब्रेन तक जाएगा। सेंसेशन जब तक नर्व इंपल्स जो है वो पूरी ब्रेन तक रीच नहीं होती, उस वक्त तक हमें कोई सेंसेशन वो नर्व फाइबर जो है वो फील नहीं करते। अब इंपल्सिस या सीरीज, अब इंपल्स क्या होता है, व्हाट इज इंपल्स, इंपल्स इज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस ट्रेवल डाउन द फाइबर। इंपल्स वो चीज है जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस है जो कि पूरी फाइबर के अंदर वो ट्रेवल कर रहा है। ईच पल्स लास्ट अबाउट 0.001 एंड ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पूरी नर्व फाइबर में ट्रेवल करती है। अच्छा, अब नर्व इंपल्स कहीं पर भी हो, किसी बॉडी के किसी पार्ट में भी हो, वो सिमिलर। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ नर्व इंपल्स इन आईज, ईयर एंड हैंड। नर्व इंपल्स में कोई डिफरेंस नहीं, चाहे वो आईज में हो, ईयर्स में हो, हैंड्स में हो, तो हर सारे नर्व इंपल्सेज क्या हैं, दे आर सिमिलर। हम लोगों ने इसमें की तीन चार पॉइंट्स पढ़े नर्व इंपल्स में, कि नर्व फाइबर्स डज नॉट कैरी एनी टाइप ऑफ सेंसेशन लाइक पेन और कोल्ड। अब ये सेंसेशन उस वक्त फील होगी व्हेन नर्व इंपल्स रीचेस द ब्रेन। जब तक वो ब्रेन के पास नहीं पहुंच जाते तब तक वो कोई सेंसेशन फील नहीं करता नर्व फाइबर। इसके बाद जो है वो इंपल्स को आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंपल्स क्या है, वो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेज है जो पूरी फाइबर के अंदर ट्रैवल करता है, और हर जो पल्स रेट जो है वो अबाउट 0.01 सेकेंड है, और इसकी स्पीड जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। और नर्व इंपल्स, कोई भी नर्व इंपल्स है वो सिमिलर है पूरी बॉडी में, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नर्व इंपल्स इन आईज, ईयर्स एंड द नोज।